नम्रता के साथ चलना है। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर चिदंबरम को लेकर। सीबीआई रिमांड के खिलाफ चिदंबरम की अर्जी खारिज हो गई है कोर्ट से। आपको बता दें 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई रिमांड में भेजा गया था पी चिदंबरम को, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देती जो याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो यहां से कोई राहत नहीं पी चिदंबरम को, अभी भी उन्हें सीबीआई हिरासत में रहना ही होगा। लेकिन अब आगे रिमांड को बढ़ाने को लेकर क्या संकेत मिलते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच ईडी ने भी एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम को हिरासत में लेने को लेकर। शेल कंपनीज का ये मामला जो प्रवर्तन निदेशालय देख रहा है, लेकिन इस मामले पर अभी सुनवाई चल रही है। इस पर भी जैसे कोई तस्वीर सामने आती है, जानकारी सामने आती है, आपको बताएंगे। लेकिन सीबीआई मामले को लेकर जो अर्जी थी पी चिदंबरम की उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पी चिदंबरम की तरफ से याचिका में चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट के फैसले को, जिसमें हाईकोर्ट ने न सिर्फ पी चिदंबरम को इस पूरे मामले का किंग पिन बताया था, बल्कि ये भी कहा था कि ये बेहद गंभीर मामला है और इस मामले को बेहद संजीदा तरीके से डील करना होगा। पूनम शर्मा जुड़ गई है इस वक्त और जानकारी के साथ। पूनम, कोर्ट से क्या जानकारी? देखिए, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जो एंटीसिपेटरी बेल थी चिदंबरम की और जिसको खारिज कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, और उसके बाद सेम डे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया गया था चिदंबरम के वकीलों की तरफ से। आज उस याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने और कहा है कि ये इन्फेक्चुअस हो गई है, यानी कि अब इसकी जरूरत ही सुनवाई की नहीं बची है क्योंकि चिदंबरम इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो याचिका ये लगाई गई थी कि एक तो जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको चैलेंज किया गया था, अपील में आए थे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही कहा था कि जो गिरफ्तारी है वो नहीं होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी अब इस मामले में चिदंबरम की हो चुकी है और ऑलरेडी 5 दिन की जो उनकी कस्टडी थी वो आज खत्म हो रही है। तो ऐसे में कोर्ट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को अब इस याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं लगती, लेकिन अभी भी बाकी जो और याचिका है उस पर सुनवाई चल रही है। और अभिषेक मनु सिंघवी और सिब्बल लगातार कह रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए, उनको भी सुनवाई का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। 21 अगस्त से लगातार वो लोग कोर्ट की शरण में है सुप्रीम कोर्ट में, और उनको प्रॉपर सुनवाई उस मामले में नहीं मिल पाई, लिस्ट नहीं हो पाया केस या काफी देर से सुना गया, ये सब वजहें रही। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां पर तुषार मेहता की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फिर वो आगे कस्टडी लेना चाहते हैं चिदंबरम की इस मामले में। तो यानी चिदंबरम की मुश्किलें अभी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है, कोई रिलीफ उनको नहीं मिला है। और दूसरी तरफ उम्मीद इस बात की लग रही है कि आज जब ट्रायल कोर्ट के सामने भी दिल्ली में पेश किया जाएगा पी चिदंबरम को, तो सीबीआई इस मामले में आगे कस्टडी को बढ़ाने की मांग करेगी। उसके बहुत सारे ग्राउंड सीबीआई के पास हो सकते हैं। पहला ग्राउंड सबसे मजबूत यही है कि पी चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जानकारी पूनम दे रही है कि विशेष अदालत के सामने भी उन्हें पेश होना होगा क्योंकि रिमांड आज खत्म हो रही है, और ऐसे में सीबीआई की कोशिश यही कि रिमांड और बढ़े।